अप्पे जी अप्प तुम किचन की बात से कंपटीशन के विनर हो ना विनर आहो जी विनर जी मैंने तुम्हें किडनैप किया ओ जी तुसी मैंनू किडनैप किता है मैडम का किडनैप हो गया भैया और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए गधों की तरह बैठे हम यहाँ यार एग्जांपल तो ढांकी दे यार कानून का ये हाथ है लातों से करती बात ये मैडम बचता ना कोई वार से मो मो मैडम मो अरे यार वेल मो हमने सोचा आपका हो गया अपहरण इस दा ये सोच सोच कर रो रहे थे आपके अर्जुन और कर्ण इस दा मैडम ये कौन है अरे यो ये है वो किडनैपर जो किचन का बादशाह प्रोग्राम के बिन्नर ने किडनैप करने को घना आतुर हो रहा था इसका टोपा उड़ाइयो जरा शक्ल देखें इसकी जरा बढ़िया से ओहो क्या बात है हाँ भाई पिगी बैंक की शक्ल के क्यों कर रहा किडनैपिंग कौन है तू क्यों है तू मैडम मुझे बढ़िया बढ़िया खाना खाने का बहुत शौक है तो मैंने सोचा कि कुकिंग कंपटीशन का जो भी चैंपियन होगा वो तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाता होगा तो क्यों ना मैं उसे किडनैप कर लूं और जिंदगी भर बैठ के मजे से बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी खाना खाऊं इसलिए कर रहा था किडनैपिंग अबे खाना खाने का घना शौक है ना इब खाइयो जेल का खाना लेके चलो मेहमान आए स्वागत करेंगे सरिये वरिये गरम करो अरे बच्चा अरे देखा जीजू एक मैडम है जिन्हें खाना बनाना नहीं आता था लेकिन उन्होंने खाना बनाना सीखा और किचन का बादशाह कंपटीशन जीत लिया और एक आप है आप रोज खाना बनाते हैं लेकिन आपके खाने में जरा सा भी स्वाद नहीं है चौकी में ये बात बोलना जरूरी है साले सर सच तो कड़वा ही लगता है जी यू आर सस्पेंडेड यार तुम्हें तमीज नहीं है बड़ों से कैसे बात करते हैं है? ऐसे बात करते हैं से सॉरी मिस चौटाला किचन का बादशाह कंपटीशन जीतने की खुशी में बहुत बहुत मुबारक लेकिन ये बताइए कि आपने ये खाना बनाना सीखा कहाँ से यही तो सर इसके पीछे मेन रहस्य है सर उस दिन जब आप लोगों को मैंने अपना जो है खाना टेस्ट कराया तो आप सबको अपनी नानी याद आ गई पापू पापू तो सर मन ने भी अपनी नानी याद आ गई और मैंने तड़ाक देने की नानी को फोन लगाया और मैंने बताई अपनी सिचुएशन और नानी ने अपनी तिजोरी खोली और उसमें से अपनी फरनाटेदार रेसिपी एकदम खानदानी वाली वो मन ने फोन पर रटवा दी और सर मैं और नानी विनर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एंड दैट्स नॉट ऑल मैंने डिसाइड भी करा है कि सिंस मैं विनर हूँ इसलिए मैंने फैसला करा है कि हर हफ्ते मैं एक बढ़िया डिश बनाऊंगी रेसिपी आइटम खाने का बनाऊंगी जिसे आप तीनों खाएंगे ओहो महाराज ये तो मजा आ गया मैं तो टिफिन भी नहीं लाया था आज घर से कंट्रोल कंट्रोल तो वो हफ्ता शुरू होता है आज से है ना तो आज स्पेशल रेसिपी स्पेशल डिश हे सनी खाना ला यस मैडम गुड हाँ तो भाई ओहो चम्मच रह गए यार ओह बहुत कितने चाहिए ला तीन दे दे तो ये आ रही है चौटाला स्पेशल डिश सर सबसे पहला आपके लिए पूरा खा जाइए देखिए ओके ओके ये सर मैं ओके ओके रेडी हाँ जी सबसे पहले सर मेरी चे
बिल्लू गोबे या और किसी ने खाना है टोनी तुम ऐसा क्यों हंसता है तुम तो मजाक सोचता है व्हाट इज दिस टोनी हम तुमको घर लेके जाएगा गुड मॉर्निंग मैडम गुड मॉर्निंग सोनी नमस्ते मैडम नमस्ते आपके लिए कोरियर आया मैडम कोरियर ही आया ना कोई बम तो आया नहीं तो स्माइल करो गुड बॉय और इतना बड़ा गुड़िया अब आ गुड़िया किसने भेज दी अरे यार ओहो वाह मैडम कौन है ये अकल से पैदल आदमी जिसने आपको हाय जो कि ऊंट की जितनी लंबी है मतलब इतनी बड़ी लड़की को ये सड़ी सी गुड़िया भेज दी मैडम मतलब कि है कौन ये बेअकल आदमी क्यों ले पढ़ ले पढ़ ले कौन है बेअकल आदमी चल हट सॉरी मैडम मुझे पता नहीं था ना कि किसने भेजी है इब लग गया पता हाँ मारे ताऊ ने भेजी है यो ओहो हरियाणा से मारे लिए पर ये कोई उम्र थोड़ी ना आपकी खिलौने से खेलने की हाय अबे यार हर चीज जो है ना उम्र और टाइम और यो सब ना होवे माँ बाप के लिए उनके बालक उनके बच्चे कभी बड़े ना होते भाई महारा ताऊ बताओ कितना जो है भोला स्वीट आदमी से उनको यो ही पता ना लग रही कि कितना वक्त बीत गया कितना स्वीट आदमी से यार सोचो भोला भाला जीवन जो है ऐसी छोटी छोटी चीज जरा सा एक इमोशनल मोमेंट एंजॉय अगर कर लो तो इतने में थारे जीजा का आ जावे फोन हाँ कमिश्नर साहब अरे सर वो चिटपुटिया गंज वाला जो केस है उसके लिए कुछ राउंड अप करें आदमी अरे नहीं नहीं सर इतनी आसान बात है नहीं गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग सर हाय ब्रो कैसे हो ये बच्चों के खिलौने यहाँ को रखे हैं यार क्या हुआ व्हाट हैपेंड ब्रो एक्सक्यूज मी Something is wrong.
तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई ये गुड़िया ने हाथ लगाने की? मम्मी जी, मामूली सी गुड़िया जी 20-20 रुपए में बाहर मिलती है जी। तू होगा मामूली, गुड़िया का कतई मामूली ना है। मारे ताऊ ने भेजी हरियाणा से मारे लिए, मामूली कह रहा। और खबरदार जो किसी ने जो है इस गुड़िया को संग बदतमीजी करी उठा के फेंकाया, हाथ भी लगाया तो वरना 20-20 रुपए में तैने नीलाम कर दूंगी चौकी के बाहर ले आगे। हाय बांदर किसी सकल गुड़िया ने हाथ लगा रहे हैं। और सॉरी कहना गुड़िया से, कह बहुत सॉरी। सॉरी बेबी, सॉरी दीदी, सॉरी बहन जी, सॉरी बहना। चुप, काम पे लगो दोनों, चलो फुटो यहां से। अबे अपने जीजा से कह ले हिमालय पे जाके कह रिलैक्स करेंगे, छुट्टी ले। वो लंबी छुट्टी पे जाने वाले। हाँ कमिश्नर साहब। यार बिल्लू कोई बात है, एक छोटी सी गुड़िया के लिए मेरे को इतना लताड़ दिया यार, बेइज्जती कर दी मेरी। भैया आपको तो सिर्फ लताड़ा है, मेरी तो पिटाई हुई है पूरी तरह से इस गुड़िया की वजह से। कोई नहीं, तू चिंता मत कर, मैं मौका देखती ना इसको इतनी दूर फेंकूंगा ना मिलेगी नहीं। मूड खराब हो गया क्या? छोड़ यार, आज रात को ना फिल्म देखने चलेंगे, नारायण टाकीज में ना फिल्म लगी है हसीना हलवे वाली, कमाल की फिल्म है। नहीं भैया आप चले जाओ, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी ना एक हफ्ते के लिए चौकी पर नाइट ड्यूटी लगी है। और आज की नाइट ड्यूटी में मैं जरा इस गुड़िया की तबीयत से पिटाई करूंगा। हाँ 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 स्वीटी, हाँ मैं बहुत अमीर हूँ, मेरा बिजनेस लंदन से लेके पेरिस तक फैला हुआ है। ये लाइट को क्या हो गया? कौन है? कौन हंस रहा है फालतू की ऐसी? रात को भी लोगों को पता नहीं नींद नहीं आती है क्या? रात को भी पुलिस को परेशान करते रहते हैं, इस वक्त फोन करने की क्या जरूरत है? हम इंसान नहीं है? हेलो हेलो, मैं गुड़िया बोल रही हूँ। कौन गुड़िया? मेरी लिस्ट में तो किसी गुड़िया का नंबर नहीं है। मैं वो ही गुड़िया बोल रही हूँ जिसकी आज रात तू पिटाई करने वाला था। बकवास मजाक मत करो ठीक है ना, वो गुड़िया मेरे गई? पलट कर देख कालिया। Thank you.
नाइट ड्यूटी वो क्यों लगवा दी मेरी? स्वीटी हेलो मैडम, मेरी बीबी मुझे पीटती है। तू इसी लायक। ओहो, हाउ आर यू माय डियर? अरे यार गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। भाई मैं सोच रही हूँ कि डॉल का ना एक बढ़िया सा नामकरण कर दिया जाए, तो कुछ सजेशन वगैरह अगर थारे पास हो तो टेल मी। वाला इसका नाम सनी रख दो जी। अबे तू रहन दे यार, थारे बस की ना है, थारे सब सेल फ्राई हो गए हैं, रहन दे। अपना बिल्लू। बिल्लू। यस माय नेम। अबे तैने क्या हो गया? अनारकली है तू, दीवार से क्यों चिपका हुआ इधर? ये क्या हो गया बेटा? इतना सहमा सा क्यों है तू? कोई भूत बात तो नहीं देख लिया तैने? हाँ मैडम। हैं? मतलब नहीं मैडम। अच्छा चल सुन, मैं सोच रही हूँ गुड़िया का नाम रख दिया जाए कोई, तो बढ़िया सा स्वीट नेम, क्यूट सा, बेबी फेस मैचिंग, ऐसा कोई नाम बता। चुड़ैल। हाय। मारी गुड़िया ने चुड़ैल कह रहा? तू ज्यादा हो गई थारी बदतमीजी। ऐसा है, झांसी के स्टाइल में सुताई करूंगी, बाड़ी के कानपुर से लेकर उन्नाव, उन्नाव से लेकर जबलपुर तक सब हिल जाएंगे। ताश की गड्डी की तरह बिछा दूंगी मैं यहीं। याद रखियो, भूलियो मत। नहीं 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 भूलूंगा मैडम, नहीं भूलूंगा, बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा मैडम। वो तो एक जमाना था जब मैं बहुत भूल जाता था ना, फिर मैंने अपना इलाज करवा लिया, अब मैं इतना भूलता नहीं हूँ। कभी अगर ऐसा कुछ हो गया हल्का सा तो कभी। तुम सोच भी नहीं सकती कि ये खबर सुना के तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है कि मैं पाप बनने वाला हूं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हारा पेट देखकर ऐसा लगता है कि तुम 15 महीनों से प्रेग्नेंट हो, जबकि बच्चा तो 9 महीने में हो जाता है। समझा, जुड़वा है, जुड़वा जुड़वा है। कुछ हुआ था क्या मैडम? हाँ कुछ हुआ था। मैं वो था रे जुड़वा बच्चों की मदर, और तू डैडी हुआ था। तो फिर तो मैडम बहुत अच्छा हुआ कि मेरा कान उमेट दिया गया, वरना मैडम ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। अरे बेकार की बात छोड़, यो ले इसके बाल बना। FIR
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.